भाजपा सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ दो महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को सबूत दिए हैं। पुलिस इस मामले में 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले 6 में से 2 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो और विजुअल सबूत सौंप दिए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मीडिया खबरों के में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं जिससे आरोप सही साबित हो सके। वहीं नाबालिग पहलवान द्वारा आरोप वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह के परिवार के सदस्य पत्रता के बावजूद महासंघ के आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्रजभूषण का बेटा करण भूषण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का प्रमुख है जबकि उनका दामाद आदित्य प्रताप सिंह बिहार इकाई का प्रमुख है। WFI के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारी सदस्यों के लिए 6 जुलाई को चुनाव होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि न तो ब्रजभूषण के परिवार के सदस्यों और न ही उनके सहयोगियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने 15 जून तक अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया था।